सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी प्रकार के पोस्टर का जो निचला पोजीशन होता है उसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे सिंगर का नेम हो गया, गीतकार, संगीतकार, आप लोग किस स्टूडियो से अपने गाने को रिलीज करा रहे हैं उसका नेम, और आप लोग का गाने का कौन सा मार्केटिंग कर रहा है उसका नेम, आप लोग कैसे इसमें एक प्रोफेशनल लेवल की तरह बना सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग को इस तरह स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे गीतकार और संगीतकार का जो यहाँ पे फोटो के साथ नेम भी लिखा गया है, इस तरह के आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। जो मैं इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ जो आप लोग को दिखाऊंगा, और उसके बाद उसको डिलीट करके मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रैक्टिस करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग उस तरह का डिजाइन क्रिएट करके आप लोग किसी प्रकार के पोस्टर में आप लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। तो कैसे करना है सब आप लोग को इस वीडियो में डिटेल से मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग को वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन आएगा इस पर क्लिक करके ऑल कर लें, और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और वीडियो को अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दें। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैं बनाया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट है, और मैं आप लोग को सब इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि स्वर अवधेश प्रेमी हुए अंतरा सिंह प्रियंका, गीतकार यहाँ पे गोविंद विद्यार्थी, और संगीतकार यहाँ पे छोटे बाबू। स्टूडियो यहाँ पे देख सकते हैं डिजनी बस्ती है, और आप लोग डिजाइन बाहुबली ने किए हैं। इस तरह का आप लोग फोटो की तरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि आइडियो सॉन्ग है और ट्रेंड इंक्वायरी है, आप लोग इस तरह का कैसे पट्टी को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है कहा जाए तो जो बिगनर लेवल के हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत खास का होने वाला है, जो एडवांस लेवल के हैं उनको तो ये मालूम होता है कि कैसे सब बनाना है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को इसको डिलीट करके बताने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गाइज, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपको इसके लिए पिक्सल ऐप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वो एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप लोग को इस तरह से देख सकते हैं पिक्सल ऐप का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आप लोग इस प्रोजेक्ट को पिक्सा आर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उस बहुत सारे मोबाइल में ये पिक्सा आर्ट नहीं रहता है एप्लीकेशन, और पिक्सल ऐप जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे लोगों में रहता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल का एक एडिटिंग एक ऐप्स है। तो आप लोग को पिक्सा आर्ट या पिक्सल ऐप कोई में से एक ऐप्स रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे माई प्रोजेक्ट पर जाके और ये प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, और फिर से मैं आप लोग को डिफॉल्ट करके और बनाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं, और फोटो कैसे ये लगा सकते हैं, जो बॉर्डर की तरह देख सकते हैं लगा हुआ है बॉर्डर, आर या जो लगा है बॉर्डर है, और यहाँ पे जो पट्टी है इस तरह का पट्टी तो बहुत सारे लोगों को बनाने लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले आपको डिफॉल्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको ट्रांसपेरेंट में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको व्हाइट करता हूँ। व्हाइट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे आना, चौथे स्थान पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, देख सकते हैं लोगो, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कलर के आइकन पर आना है, और आने के बाद यहाँ से आप लोग को कलर चेंज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडिएंट दिया है, कलर दिया है, कलर मैं यहाँ पे व्हाइट रख देता हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा, और इस तरह से। उसके बाद गाइस यहाँ पे इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड ले लेने के बाद आपको यहाँ पे आप टेस्ट की जरूरत है, तो टेस्ट लिखने के लिए यहाँ पे आना है, एक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाई स्टेप देखना है और आपको कोशिश करना है। उसके बाद गाइज एक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट का, इस टेस्ट यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आप लोग को एडिट कर लेना है, नहीं तो मैं इसको डिलीट करके ही दिखा देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो
चले गए यहाँ पे एडिट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन फिर आ जाएगा एडिट का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो सिंगर है उसका, तो चलिए मैं उसका नेम लिख लेता हूँ। आप लोग सिंगर भी लिख सकते हैं, स्वर भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सिंगर का नेम लिख लेना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो आप लोग यहाँ पे लिख दिया हूँ फर्मवेयर प्रीमियम वी 15 क्रिएट का। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से लाना है, इसको इस तरह से आपको लेकर आना है। आप लोग यहाँ पे कलर कौन सा रखेंगे, ब्लैक आपको रखना है, तो चलिए मैं इस पर ब्लैक रख लेता हूँ इसको। और उसके बाद कलर आपको देने के लिए गाइस यहाँ पे आना है। कलर से पहले आप लोग को यहाँ पे फ्रंट चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले कलर में कर लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया है, नहीं तो आप लोग व्हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट आपका यहाँ पे ये इस तरह का हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ। उसके बाद व्हाइट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोक्स आना है, यहाँ पे एक मिलेगा आपसे, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखेगा गाइस। अगर आपको कलर समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर आना है, जो मैं प्रोजेक्ट दिखाया था उस प्रोजेक्ट को आपको ले लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ में आप लोग को जो स्वर है वो आपको रेड रखना है, और जो भी यहाँ पे सिंगर का नेम है उसको ब्लैक में कर देना है, और आपको व्हाइट कलर लेकर जाना है। व्हाइट जो उसका बैकग्राउंड है, जो आपके टेस्ट का, उसको आप लोग को व्हाइट रखना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं आप लोग को क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ जो सिंगर का नेम है उसको, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं लंबा नहीं चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं बाइक जाकर डिफॉल्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको व्हाइट कर लेना है, इसका कलर ओके कर लेना है। और आपको टेस्ट लिखने के लिए टेस्ट पाना है, और एडिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपने सिंगर का नेम लिख देना है। लिखने के बाद गाइस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेना है, और यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लेना है। देख सकते हैं मेरा व्हाइट हो गया है, तो आपको इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के लिए आपको यहाँ पे कलर पाना है, और यहाँ पे ब्लैक कर देना है इस तरह से। और आपको इस तरह से साइज को छोटा करके यहाँ पे लंबा खींच देना है। और इसका कलर आप लोग को चेंज करने के लिए, स्वर जो दिया गया है उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे रेट कर देना है। चलिए गाइस यहाँ पे मैं रेट कर लेता हूँ, ये रेट का कलर है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेट कर लिया हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। आप लोग वर्क को भी चाहते हैं कि मैं रेट कर दूँ तो उसको भी रेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्शन कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे आपको वर्क ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको फ्रंट चेंज करना है। फ्रंट चेंज करने के लिए यहाँ पे फ्रंट के ऑप्शन पर आना है, और यहाँ से आप लोग को अपने हिसाब से फ्रंट ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सा फ्रंट यहाँ पे जमेगा मैं वही ले लेता हूँ। आप लोग अपना फ्रंट ले लेना, जो भी आपका फ्रंट अच्छा लगता है उसी को आप लोग को ले लेना है।
गाइस यहां पे मैं खोज रहता हूं कौन सा फ्रंट चलेगा। आप लोग को यहां पे मेन रखना है गाइस, तो चलिए मैं यहां पे रख लेता हूं ये वाला, ओके पर क्लिक कर देता हूं। और आपको इस तरह से आपका एक टेस्ट यहां पे नेम बन जाएगा, उसके बाद इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद ये हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे कॉपी का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर नीचे लेकर आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे लेखक मींस आपका लेखक का नेम लिखना है, जैसे कि आप लोग का राइटर कौन सा है और गीतकार संगीतकार का यहां पे नेम लिखना है। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं। उसके बाद गाइस यहां पे आपको लिखना है गीतकार, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं गीतकार। गीतकार लिखने के बाद गाइस आपको यहां पे अनुपात का ऑप्शन दे देना है यहां पे। उसके बाद यहां पे लिखना है, मैं लिख लेता हूं कोई भी, अरुण बिहारी लिख लेता हूं। अरुण बिहारी हो गया। उसके बाद आपको एक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पे देख सकते हैं मेरा इस तरह से आपको टेस्ट आ गया है। आपको इसको छोटा करके इस तरह से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे इसी में आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका भी नाम लिख दूं जो संगीतकार है। तो संगीतकार लिखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस पर एडिट पर क्लिक कर देना है और उसको आपको यहां पे संगीतकार लिख लेना है। चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं संगीतकार, यहां पे लिखना है। गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। यहां पे आप लोग को छोटे बाबा लिख लेना है। चलिए आप लोग का जो भी रहेगा संगीतकार उसका नाम लिख बाबा, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है और आपका इस तरह से ये भी बन के कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हैं गाइस गीतकार भी यहाँ पे आ गया ब्लैक, इसको आपको रेट करना है। रेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गीतकार जो है संगीतकार इसको आपको सिलेक्शन करना है, उसके बाद इसको रेट कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा इस तरह से हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडियो का नेम लिखना था। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि किस स्टूडियो से आप लोग अपने गाने को रिलीज कराना चाहते हैं या मार्केटिंग कराना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आपको डिलीट कर देना है। कॉपी कर दिए हैं कि नहीं यहाँ पे देख लेता हूँ, उस पर कॉपी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, आपको आराम से करना है। यहाँ पे स्टूडियो लिखना है आप, या कंपनी आप लोग कोई किसी भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक लगे। स्टूडियो लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडियो का नेम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे उसी नेम को अलग मार्केटिंग का नेम लिखना है, इसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्केटिंग कौन करेगा आपका।
मार्केटिंग के बाद यहाँ पे आपको लगाना है अनुपात, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है किसी का नाम लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ या बाहुबली लिख लेता हूँ। ओके पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे रेट आ गया, लेकिन जो वर्ड मार्केटिंग में जो आया है बाहुबली वो कट गया है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे आना है कलर के ऑप्शन पर, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन अच्छी तरह से इसको बाहुबली का जो यहाँ पे मार्केटिंग का ऑप्शन दिया गया इसको आपको अच्छी तरह सिलेक्शन करके यहाँ पे रेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो वर्ड है कटा नहीं और यहाँ पे स्पेशली हो गया। चलिए मैं इसको आपको छोटा कर देता हूँ इस तरह से। तो गाइस इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा इसको इस तरह से रखना है इस तरह से, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है पट्टी बनाना है। यहाँ पे आपको एक पट्टी की ज़रूरत होगी, तो पट्टी बनाने के लिए गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आना है आपको यहाँ पे कोई एक इमेजेस को ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा मेरे पास इमेजेस है, नहीं तो आप लोग कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव में आता हूँ। यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा जो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे वाइट जो कलर है इसी को ले लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। नहीं तो इसका कलर आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर एक रख लेता हूँ जो अच्छा कलर हो, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे कलर का। चलिए मैं यहाँ पे जाकर ये कलर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आपको इसका लिंक इस तरह से बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप लोग को इस तरह से इसको ला देना है और यहाँ पे इसको इस तरह से देख लेना कि मेरा यहाँ पे जो पट्टी है कटा है कि नहीं, इसको और थोड़ा आपको बढ़ा लेना है जो कट जाएगा। तो इस तरह से आपको पट्टी को लगा लेना है। चलिए मैं यहाँ पे मेरा पट्टी छोटा हो गया है तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ। और इस तरह से गाइस करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक और आइडियो का या वीडियो का एक यहाँ पे और शेप क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे फिर एक शेप पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा टिक का, इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये वाला पोजीशन को लेना है, ये वाला जो छठवें स्थान पर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका कलर को आपको चेंज कर देना, कोई भी कलर आप लोग ले सकते हैं। रेड ले लेता हूँ। रेड लेने के बाद आपको इसको क्रोपिंग कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे क्रोपिंग कर लेता हूँ। इस तरह से आपको क्रोपिंग कर लेना है और आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से मार सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये क्रोपिंग हो गया है। आप लोग इसको चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लगा दूँ तो लगा सकते हैं इस तरह से। आप लोग इसको नीचे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक है, आप इसका साइज को थोड़ा बढ़ाने लेना है इस तरह से और इसको इस तरह से लगा लेना है। इसको लॉक देने के लिए ऊपर में आपको एक इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको लॉक कर देना है के ना आपका जो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक आईडियो का नेम लिखना है जो कि आप लिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे मैं आईडियो ले रहा हूँ आईडियो सॉन्ग। यहाँ पे वीडियो देख लेता हूँ, मेरा 18 मिनट का लगभग हो गया है। आईडियो सॉन्ग यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको आना है फ्रंट में चेंज कर देना है इसको। चलिए मैं यहाँ पे फ्रंट देख लेता हूँ कौन सा अच्छा लगेगा और इसका कलर रखो आपको इस तरह से रख लेना है येलो। चलिए मैं यहाँ पे येलो रख लेता हूँ। इस तरह से येलो रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको स्टॉक से दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे स्टॉक से दे देता हूँ, इस तरह से आपको दे देना है और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो ट्रेंड बाय, तो यहाँ पे आप लोग इसको कॉपी करके ला सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए
क्रिएट, यहाँ पे आपको इंक्वायरी लिख सकते हैं। इंक्वायरी नंबर, चलिए आप लोग यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं कुछ भी नंबर, और यहाँ पे आप लोग स्टार स्टार लिख कर अपना नंबर दे देना है, और यहाँ पे आप लोग कर लेना है उसी तरह से, और इसको बढ़ा लेना है। कलर को चेंज करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शन पर जाना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपको कलर चेंज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे फोटो कैसे आप लोग लगाएंगे। फोटो लेने के लिए यहाँ पे आना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है। इम्पोर्ट के ऑप्शन पर आकर यहाँ से आप लोग को फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फोटो को आप लोग लगाना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फोटो देखता हूँ, यहाँ पे कोई भी फोटो को आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप लोग अपने लेखक का फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फोटो ले लेता हूँ, और इसका जो व्हाइट पार्ट है उसको आपको कट कर लेना। कट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से इसको लेकर आना है, और यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। करने के बाद गाइस इसका थोड़ा इसमें आपको देना है बॉर्डर। बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रोक पर आना है, स्ट्रोक पर आने के बाद इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ पे आप लोग रेड कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं। नेक्स्ट में आता है, आपको यहाँ पे फिर जाना है इम्पोर्ट में, और यहाँ पे नेक्स्ट जो इमेजेस है संगीतकार का उसको ले लेना है, और आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लेकर आना है, और आपको यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेना है। इस तरह से करने के बाद गाइस इसको आपको क्या करना है, फिर स्टॉक्स पाना है और इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ पे रेट आपको रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से रख लेता हूँ, यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है फोटो को, तो इसको इस तरह से मैं छोटा कर देता हूँ। इसको एडजस्ट अच्छी तरह से आपको करना है, कोई दिक्कत ना हो आपको। यहाँ पे इस तरह से गाइस आपको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए इस तरह से कर लेना है गाइज। अब इसको आप लोग क्या करना है, यहाँ से लॉक कर देना है, सबको लॉक करके रखना है, और लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका नेम लिख लेता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करके आपको यहाँ पे जाऊँगा एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करूँगा, इसको मिटा दूँगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि ऊपर में आपको गीत लिख कर यहाँ पे आपको इसको लेकर आना है। और गाइस आपको यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। यहाँ पे मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट गड़बड़ा रहा है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ आपको। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, आप लोग इस तरह से आराम आराम से बना लेना है। आप कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आप लोग को क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करूँगा, जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा। और इस तरह का आप लोग को प्रोजेक्ट नहीं बनता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं आप लोग कमेंट करिएगा, उसका मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा अच्छी तरह से, और बताऊंगा कैसे आप लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट ना बना पाएँ जो मैं आप लोग को बताऊँ, तो आप लोग इस तरह जाइए, कोशिश करिए अच्छी तरह से आप लोग बनाइए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए KP शांति, नमस्ते। What's left?